बच्चों गुड मॉर्निंग। आज मैं भाग 7 का हिंदी हिंदी पार्ट 2 का पाठ का नाम है नचिकेता पाठ का प्रश्न उत्तर लिखवाने जा रही हूँ। आप लोग इसे कॉपी और पेन निकाल लीजिए और मैं प्रश्न उत्तर लिख रही हूँ, आप लोग अपने कॉपी में लिखिए। पहला प्रश्न है, नचिकेता कौन था? आंसर होगा नचिकेता महर्षि बाजसरवा का एकलौता पुत्र था। नचिकेता महर्षि बाजसरवा का एकलौता पुत्र था। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। 2, नचिकेता क्यों दुखी हुआ, उसने अपने पिता से क्या कहा? क्वेश्चन है, उत्तर दीजिए। नचिकेता अपने पिता की लोभ प्रवृत्ति देखकर दुखी हुआ। कारण कि पिता ने यज्ञ में अपना सब कुछ दान में देने का निश्चय किया था। लेकिन वह यज्ञ की अंतिम घड़ी में कमजोर तथा दूध ना देने वाली गाय दान में दे रहे थे पिता की ऐसी लोभ प्रवृत्ति पर उसने अपने आप को दान में देने को कहा। यह प्रश्न 1 और 2 का उत्तर है। अब मैं 3 और 4 का प्रश्न उत्तर बोर्ड पर लिख रही हूँ, आप लोग उसके बाद लिखिएगा। अब मैं 3रा और 4था प्रश्न बोर्ड पर लिख रही हूँ, आप लोग इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और किताब में प्रश्न को देख लीजिएगा ठीक से। मैं 3रा प्रश्न बता रही हूँ। नचिकेता यमपुरी किस लिए गया था? उत्तर है, पिता की आज्ञा पालन करने के लिए नचिकेता यमपुरी गया था, क्योंकि पिता ने उसे मृत्यु को दान में दे दिया था। पिता की आज्ञा पालन करने के लिए नचिकेता यमपुरी गया था क्योंकि पिता ने उसे मृत्यु को दान में दे दिया था। अब 4था प्रश्न है, नचिकेता को यमपुरी के मुख्य द्वार पर क्यों रुकना पड़ा? आंसर होगा, नचिकेता को यमपुरी के मुख्य द्वार पर इसलिए रुकना पड़ा क्योंकि उस समय यमराज कहीं बाहर गए हुए थे। यह 4 प्रश्न का उत्तर लिखवा चुकी हूँ। अब मैं कल इसके बाद वाला प्रश्न उत्तर करवाऊंगी, आप लोग इसको कॉपी में लिख लीजिएगा और याद कीजिएगा। आज तक के इतना ही, ओके।